अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारे पास, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या पोस्टुलेट्स हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यही चीज हमने सीखी है थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो एटम है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डेंस डेंस होता है वो, सही है ना, जो हमारे पास और बहुत ही ज्यादा स्मॉल न्यूक्लियस होता है हमारे पास जो कि कंटेन कर रहा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, छोटा सा हिस्सा होता है अगर हम ओवरऑल एटम की बात करें, क्योंकि ज्यादातर जो हिस्सा है वो एनर्जी लेवल्स घेरे हुए होते हैं, ठीक है ना। ऊपर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एंटायर मास इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द, सारा का सारा जो मास है यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हमारे पास सबकी सबकी जो है वो कंसेंट्रेटेड होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे। अच्छा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ लार्ज एम्प्टी स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छा द न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंड करता है लार्ज एम्प्टी स्पेसेस पे, सही है ना, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स विद वेरी हाई स्पीड यानी वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ, मैं ये भी कहूंगा कि एनर्जी लेवल्स के ऊपर, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ। जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सर्कुलर ही होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड पोस्टुलेट थी। फोर्थ क्या हमारे पास, दीस सर्कुलर पाथ्स वर नोन एज ऑर्बिट्स या शेल। ये बात उन्होंने बताई कि ये सर्कुलर पाथ थे ऑर्बिट्स कहलाते हैं या शेल कहलाते हैं। एन एटम ये एनर्जी लेवल भी कहलाता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इनके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम। हमारे पास जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द होल एटम, क्योंकि ज्यादातर जो स्पेस होता है हमारे पास ऑर्बिट्स का होता है, ऑर्बिट ज्यादातर जहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट आ गया रदरफोर्ड के, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बना था हमारे पास, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्बिट्स आ गया, न्यूक्लियस आ गया बीच में, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया एंड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब वीकनेस या ड्रॉबैक्स बताएं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अच्छा भाई क्या वीकनेस है हमारे पास, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है हमारे पास। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी के बारे में उसने भी जिक्र नहीं किया, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया उसने कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम किस तरीके से है, किस तरीके से एटम जो है वो स्टेबल है और खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, दे मस्ट फॉल इनटू अ न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट इमिशन ऑफ द एनर्जी। अच्छा भाई अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो वो जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, और वह न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इट मीन्स के वो एनर्जी भी कंटिन्यूअसली इमिट कर रहा है, ठीक है ना। एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट जो होती है हमारे पास जो है वो इमिट करेगी एनर्जी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब होना क्या, वक्त के साथ साथ उनको जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट इमिजन ऑफ एनर्जी क्योंकि वो कर रहा है। आई बस समझ दोबारा मैं बताता हूँ तो भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में यानी कि ऑर्बिट्स में वो मूव करे जा रहा है और कंटिन्यूसली जो है वो हम एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाती जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आता जाता और एक वक्त ऐसा आता कि न्यूक्लियस के ऊपर आके वो गिर जाता, फॉल हो जाता। और होता क्या कि हमारे पास जो एटम है वो खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये डिफेक्ट था। इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस इमिट्स एनर्जी देन there would be a continuous spectrum, but in contrast to it,
we get a line spectrum from the atoms of electron. अच्छा भाई ये बड़ी मजे की बात है. अच्छा स्पेक्ट्रम क्या होता है वैसे नीचे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जब भी कोई स्पीशी लाइट एनर्जी लॉस करती है, किसी भी वजह से एनर्जी लॉस करती है, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है तो वो जो है वो लाइट इमिट करता है. और ये जो लाइट इमिट होती है ये जिस फॉर्म में आप जो है वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, उसी तरीके की जो हमारे पास जो है वो लाइट भी इमिट होगी. ठीक है, अगर हम कंटीन्यूअस एनर्जी को कम करेंगे कंटीन्यूअस वे में, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी जो है वो कम आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, हर हर लाइट का बनेगा. अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे पास लाइट होती है एनर्जी के हिसाब से होती है. एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी लाइट कुछ और होगी, और एनर्जी कम होगी तो उसकी लाइट कुछ और होगी. तो एनर्जी के हिसाब से हमारे पास जो है वो लाइट इमिट हो रही होती है. हायर एनर्जी मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी और लाइट कुछ और होगी, और लो एनर्जी मीन्स लो फ्रिक्वेंसी तो लाइट कुछ और होगी. तो हर जो हमारे पास नजर आ रही होती है कलर, बेसिकली कलर ऑफ लाइट, वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, तो अगर हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटीन्यूअसली एनर्जी लॉस कर रहा होता, तो इट मींस के लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता वो भी कंटीन्यूअस बनता. रेड के बाद मर्ज हो रही होती लाइट येलो में, येलो से फिर ग्रीन में, ग्रीन तो मर्जिंग आ रही होती है. आस्ते आस्ते जो हमारे पास पैटर्न बनता वो कलरफुल बनता. ठीक है, तो और जो है वो एक दूसरे से मर्ज होती जो कलर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल हमारे पास क्या है, हमारे पास बनता है लाइन स्पेक्ट्रम. यानी जो एक्चुअल बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं और जब भी वो फॉल बैक होता है, एक्साइट मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो हाई एनर्जी पर चले आता, और जैसे ही वो वापस आता तो उसमें कुछ ना कुछ लाइट इमिट करता, और जो वो लाइट इमिट करता वो एक ही फॉर्म में कर रहा था, यानी एक ही लाइट कर रहा था. इट मींस कि हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हासिल नहीं कर रहे थे, हम लाइन स्पेक्ट्रम हासिल कर रहे थे. इट मींस इससे हमें क्या अंदाजा हुआ कि जो कंटीन्यूअस हम कह रहे हैं कि एनर्जी लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा. तो ये भी हमारे पास डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था. आई होप आपको समझ आएगा, मैंने बहुत डीपली बता रहा हूँ आपको, बहुत मैं चाह रहा हूँ कि रट्टे ना लगाएं. आजकल की जनरेशन जो है वो रट्टे लगाती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रट्टे ना लगाएं, चीजें समझें, पेपर में आप खुद भी लिख सकते हैं फिर. अच्छा स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम देख लेते हैं. स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास, अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. एक बीम ऑफ लाइट लिया हमने, बीम ऑफ लाइट मतलब एक लाइट रे, रे समझ लिया, पीछे रे पढ़ के आ चुके, रे समझ लिया. एक लाइट की रे हमने ली या बीम ऑफ लाइट ली, और हमने एक प्रिज्म, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है ग्लास का, उससे हमने जो जिसकी खासियत ये होती है कि वो स्प्लिट कर देता है लाइट को उसके हिस्सों में, उसके कंपोनेंट्स में. डेफिनेटली हम ये बात जानते हैं कि सूरज की जो लाइट होती है, किसी लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर होते हैं. ठीक है, जिसको हम वेब ग्योर भी कहते हैं, वायलेट इंडिगो, सही ना, रेड ब्लू ग्रीन एंड सो ऑन, वेब ग्योर जिसे हम कहते हैं. तो वो क्या करता है, प्रिज्म स्प्लिट कर देता है सेवरल कलर्स में लाइट को. ठीक है, और आगे चलते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन. ये फिनोमिना डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब टूट जाना, वैसे इंग्लिश में अगर बताऊं डिस्पर्जन टूट जाना तो बाकी अमल जो है वो यह फिनोमिना डिस्पर्जन कहलाता है. एंड बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. और जो बैंड बन जाते हैं कलर्स के, स्पेक्ट्रम के बाद जो स्पेक्ट्रम बनते हैं बेसिकली, वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं. ठीक है ना, जो हाँ सामने जहां पे भी हम इन कलर्स को गैदर कर रहे होंगे. अच्छा, विच इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है. ठीक है, वेवलेंथ के ऊपर ये डिटरमाइन, ये क्लासिफाइड कर रहे होते हैं. ये बात हम जानते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को हम ले सकते हैं. अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, दो टाइप के, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. भाई इमिशन मतलब जो इमिट हो रहा हो, और एब्जॉर्प्शन मतलब जहां पे अब्सॉर्ब हो रहा हो. द इमिशन स्पेक्ट्रम आल्सो हैज टू टाइप. जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पे इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा. ठीक है ना, लाइट इमिट्स होंगी. तो इमिशन की भी दो टाइप्स हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम. कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वही वाला है जहां पे कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही हो, और लाइन स्पेक्ट्रम जहां पे अब्स्टुलेट, या हम कह सकते हैं कि एक दफा एक जैसी, यू कैन से एक जैसी, या एक नंबर के हिसाब से, एक डिजिट के हिसाब से जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो वहां पर हम लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा.
अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अब हम मेन पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। इन 1913 नील बोहर प्रपोज्ड एटॉमिक अनदर एटॉमिक मॉडल, उसने भाई अनदर एटॉमिक मॉडल दिया। अच्छा, दिस एटॉमिक मॉडल वाज डिफरेंट इन दिस मैनर दैट इट शोस टू फोल्ड्स। इसने बताया था क्या क्या, भाई फर्स्ट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भाई साहब ने जो दिए थे उसमें जो डिफेक्ट्स उनको हमने भाई रिमूव करना है। एंड सेकंड, एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। और दूसरा, उसने भाई चाहा कि मैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा किसके, हाइड्रोजन एटम के, ठीक है, वो सिंपलेस्ट एटम है हमारे पास, एक भर करना आसान होता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी उसकी बेस पे। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट पोस्टर ऑफ द बोहर मॉडल क्या है भाई, देख लेते हैं। नील बोहर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या दिया भाई उसने, द एटम हैज फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन विच अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अच्छा भाई, पहले हम क्या देखते थे कि पहले उन्होंने किसी ने बात नहीं कही थी कि भाई जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो उनके ऊपर फिक्स ऑर्बिट्स हैं, वो कि कभी हमने ये बात नहीं की भाई ऑर्बिट्स कितने होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, बस ये बात हो रही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है भाई अराउंड द न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। लेकिन इन्होंने बताया कि भाई जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा, दिस ऑर्बिट्स पजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो है वो ये जो ऑर्बिट्स हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रखेंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रखेंगे, हर लेवल जो है कुछ ना कुछ एनर्जी, खास एनर्जी रखेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी पे मूव कर रहा है और उस एनर्जी लेवल पे या उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास वो खास एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप मार के नीचे आना चाहे तो वो उतनी एनर्जी लॉस करेगा, और उस लॉस करने की वजह से जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी और हमारे पास स्टैंग स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, दिस ऑर्बिट्स प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड शेल्स एंड नेम K11। अच्छा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उन शेल्स की और वो KLMN जो है वो शेल्स के नाम रखा जाएगा। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर नंबर N123। अच्छा, इनको हम 123 के नाम से जो है वो बनाएंगे, known as the Quanta number, Quanta number कहलाता है ये। This Quanta range starts from the nucleus site. Nucleus site से इसको इसका हम start लेंगे, where N1 is the lowest energy level, जबकि N1 जो हमारे पास lowest energy level है। अच्छा, मतलब ये बात, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हम nucleus से दूर होते जाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज जो कि अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को उसकी भी जो शिद्दत है, उसकी जो भी फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो भी कम होती जाएगी। इट मीन्स जैसे जैसे वो फोर्स कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, ठीक है ना, जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूअसली बट दे डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। अच्छा, जब तक वो उस खास एनर्जी लेवल पे होंगे, जब तक वो उस खास ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे, ठीक है, वो ना कोई एनर्जी मूव रिवॉल्व इमिट करेंगे ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पाथ से नीचे आ ही नहीं रहे। अगर वो नीचे आएंगे तो वो एनर्जी को इमिट करेंगे, अगर वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे, ऊपर वाले ऑर्बिट पे जाएंगे तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन जब तक वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, जब तक वो कोई भी एनर्जी ना इमिट करेंगे ना लूज करेंगे ना एब्सॉर्ब करेंगे। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी। वही बात मैंने बताया कि अगर नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल पर, तो एनर्जी भी बढ़ रही है ना, इट मींस उनको उस लेवल पर जाने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और यही इसका उल्टा है कि अगर वो हाई एनर्जी लोअर एनर्जी पर जाएंगे तो ऐसे बात है वो कम एनर्जी पर जा रहे हैं तो उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उनको लूज करनी पड़ेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेंगे। अच्छा, द इमिशन और अब्सॉर्प्शन इज डिसकंटीन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम और फोटॉन। अच्छा, ये जो भाई ऑफ कोर्स अगर हम एनर्जी दो एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम दो एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं उन दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान जो गैप होगा वो फिक्स गैप होगा ना, मे बी
अगर मैं उसके नंबर्स में देखूं तो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एनर्जी भी जब रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो भी फिक्स होगी, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस या आगे पीछे फिक्स होगी बिल्कुल वो। तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको एनर्जी पैकेट्स करेंगे, या क्वांटम कहेंगे, या फोटोन कहेंगे। ठीक है ना, जो कि लाइट पैकेट्स होते हैं, जो कि लाइट लाइट बेसिकली लाइट होती है। द डेल्टा ई यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ हायर यानी ई वन एंड ई टू आर द एनर्जी लेवल्स, यानी डेल्टा ई हमारे पास क्या होगी, ई टू माइनस ई वन, और ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, हायर ये लोअर एनर्जी लेवल होंगे, ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, जिसको हम बताते हैं एच डेल्टा एच माइनस वन फोटोन। ठीक है, हियर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.63 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 34 एंड जे एस यानी जूल्स पर सेकेंड, एंड थीटा बेसिकली थीटा है इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये थीटा है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, इसको हम बेसिकली म्यू भी कहते हैं, एच म्यू, एच म्यू भी ये होता है एच म्यू माइनस वन फोटोन। अच्छा, नाइन्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्टेशनरी स्टेट्स वर प्रेजेंट इन दोस ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू थीटा, नहीं एच बाय टू पाई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि भाई स्टेशनरी स्टेट वर प्रेजेंट, स्टेशनरी स्टेट होगी कहां पर होगी, वर प्रेजेंट इन दोस ऑर्बिट्स, वहां पे होगी इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच बाय टू ऑफ दी एच बाय टू पाई के। ठीक है, एम वी आर बराबर है किसके, एन एच बाई टू पाई, वेर एन इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, अच्छा, स्टेशनरी स्टेट वर प्रेजेंट इन दोस ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। अच्छा, उसने ये बोला है कि जो एक स्टेशनरी स्टेट भी पाई जाएगी, ठीक है ना, कहाँ पाई जाएगी, उस ऑर्बिट्स में जहां पर एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड बी द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट मतलब मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ द एच बाई टू पाई। एम बी आर बराबर होगा एन एच बाई टू पाई के, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली न्यूटन बोर एटॉमिक मॉडल था कि एन बराबर है वन के, एन बराबर टू, एन बराबर थ्री एनर्जी लेवल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, फोटोन इज इमिटिंग विद द एनर्जी ऑफ ई बराबर है उसके म्यू एच के। ठीक है, तो नियर बोर एटॉमिक मॉडल है हमारे पास। अब आ जाते हैं एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या लिमिटेशंस है भाई बोहर एटॉमिक मॉडल के, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम
फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट. ज़ीमन इफेक्ट को जो है वो फेल कर दिया था उसने, नहीं बता सका था क्या है ज़ीमन इफेक्ट. इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम. मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स के. इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट. स्टार इफेक्ट भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था. स्टार इफेक्ट क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या जो है वो इफेक्ट पड़ेगा वो नहीं बता पाया वो. इट डिविएट्स फ्रॉम द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही जिसने केमिस्ट्री को जो है वो बहुत ही जो है वो हेल्पफुल की थी समझने के लिए, ठीक है ना, तो उससे भी डेविएट कर दिया था ये. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्जर एटम्स. ये ज्यादा जो लार्जर एटम्स थे उनका जो स्पेक्ट्रा बताने में ये फेल हो गया था. और इट एक्सप्लेन्स द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे हमारे पास मोनो स्पीशीज थी लाइक एच प्लस वन, एल आई प्लस टू, जो आइंस थे बेसिकली बी प्लस थ्री, उनको भी एक्सप्लेन करने में फेल रहा. अच्छा जी, व्हाट इज क्वांटम, क्वेश्चन नंबर 20. अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शन दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शन दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. क्वांटम क्या हमारे पास भाई, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है किसकी, एनर्जी प्रोपोर्शन की, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, ये क्वांटम है हमारे पास. सही, बिल्कुल. अच्छा, विच पार्टिकल शोज द मास ऑफ एन एटम, कौन सा पार्टिकल भाई मास को शो कर रहा होता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स हुज मासेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम. ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ज्यादा बता रहा होता है पूरे एटम के मास को.